हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट बेस्ड हॉरर मिस्ट्री मूवी की एक्सप्लेनेशन। इसका नाम है ट्रेन ऑफ द डेड। ये फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी एंड एक थाई हॉरर मूवी है जिसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। Now with no further delay, let's begin। फिल्म की शुरुआत में हम एक काई नाम के बंदे को देखते हैं एंड वो सो रहा होता है। उस रात उसे बहुत ही ज़्यादा डरावने सपने आ रहे थे और तो और सपने के अंदर भी वो सपना देख रहा होता है। पर जब उसकी नींद खुलती है तो सामने अपने दोस्त को मरा हुआ पाता है एंड ये देख वो चिल्लाना शुरू कर देता है। पर तभी काई को पता चलता है कि वो उस टाइम भी सपना ही देख रहा था और ये सोचकर उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है कि उसे अचानक से ही एक बार में इतने डरावने सपने क्यों आने लगे। फिर अगले सीन में हम एक ऐश नाम के बंदे को देखते हैं जो कि मोटोक्रॉस रेसर होता है। वो रेसिंग में बहुत ही टैलेंटेड था लेकिन उसे हमेशा चीटिंग से हरा दिया जाता था, बट वो उतना पावरफुल नहीं होता कि चीटर्स को सबक सिखा सके। फिर इसके बाद वो अपने फ्रेंड से अपना एक एनवेलप ले जाता है एंड वहाँ उसका फ्रेंड उसे कहता है, प्लीज़ मेरे शॉप की कुछ देर ध्यान रख लो, मुझे कुछ काम है। एंड ऐश राजी हो जाता है। दूसरी तरफ हम एक बैंक को देख पाते हैं जहाँ पे कुछ लोग बैंक के पैसे को लूट रहे थे और ये काई की ही टीम थी। टीम में 5 मेंबर्स थे, काई, मिड, जून, लेक्स और जेक उनका लीडर। पैसे को लूटकर वो अपने वैन में बैठ जाते हैं लेकिन तभी जून को पुलिस की एक गोली लग जाती है और वो वहीं गिर जाती है। वो चिल्लाती है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन वो लोग उसके लिए नहीं रुकते और वहाँ से अकेले निकल जाते हैं। रास्ते में पुलिस उनका पीछा कर रही थी और हड़बड़ी में उनकी वैन ऐश के फ्रेंड की शॉप में क्रैश हो जाती है। बाहर की तरफ पुलिस थी तो वो लोग पीछे के गेट से भाग निकलते हैं और वो लोग ऐश को एज अ होस्टेज भी ले लेते हैं। फिर हम देख पाते हैं काई को भागते हुए ऐसा लग रहा था कि ज़रूर उसके आसपास कोई तो मौजूद है, पर वो समझ ही नहीं पाता आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अगले सीन में वो लोग वहाँ से भागकर रेलवे स्टेशन के सुनसान एरिया में पहुँचते हैं और वहाँ पर एक ट्रेन की लास्ट कोच में चढ़कर छिप जाते हैं। वहाँ वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो रात तक उधर ही छिपे रहेंगे और रात होने के बाद वो पैसों को आपस में डिवाइड करके अपने अपने रास्ते निकल लेंगे। तभी काई पूछता है ऐश का क्या करना है। टीम लीडर जेक चाहता था ऐश को अपने पास रखना क्योंकि इस एरिया को वो अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन ऐश इसी एरिया का था तो वो उससे बहुत काम आ सकता है। फिर वो सभी सो जाते हैं एंड जब उनकी नींद खुलती है तो वो नोटिस करते हैं कि ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया है एंड तभी वहाँ पर जून भी आ जाती है और उसे देख सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर जून जिंदा कैसे वापस आ गई। पर जून उनसे बहुत नाराज़ थी कि उन लोगों ने उसे वहाँ पे अकेला क्यों छोड़ दिया एंड वो बहुत मुश्किल से पुलिस से बचकर यहाँ आई है। फिर कुछ देर बाद उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है मानो जैसे दूसरे कोच में पार्टी चल रही हो। वो लोग देखते हैं कि उनके नेक्स्ट कंपार्टमेंट में यंगस्टर्स पार्टी कर रहे हैं और उसके बाद वाले कंपार्टमेंट में भी लग्जरियस पार्टी चल रही थी। ये देख वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग इन सभी को लूट लेंगे और उनका पैसों का डबल फायदा होगा। फिर वो लोग वापस अपनी जगह आ जाते हैं एंड जेक कहता है इन सबको हम लोग लूट लेंगे। पर तभी ऐश उससे पूछता है, तुम लोग इन्हें लूट तो लोगे लेकिन इनसे बचकर कहाँ जाओगे, ट्रेन तो चल रही है और रुकेगी कब किसी को भी नहीं पता। बट ऐश की बात पर कोई ध्यान नहीं देता और सारे चोरी करने चले जाते हैं एंड ऐश को एक रूम में बंद होने के कारण घुटन महसूस होने लगती है तो वो जून की मदद से बाहर दूसरे कोच में चला जाता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं जेक और लेक्स पार्टी पे लोगों को ड्रिंक सर्व करने लगते हैं ताकि वो देख सके कि किसने कैसे ज्वेल्स पहन रखे हैं। दूसरी तरफ काई को अभी भी घोष्ट हॉन्ट कर रही थी तो मिड उसे कहता है, अजीब ये मत करो वरना इन लोगों को हम पर शक हो जाएगा। पर काई को वो घोष्ट बार बार दिख रही थी और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इवन वो दोबारा से सपने पहुंच जाता है जहाँ पे वो नोटिस करता है कि घोष्ट दूर से चलती हुई चाकू लेकर उसकी तरफ आ रही है और पीछे से उसे जून ने पकड़ रखा है और भागने नहीं दे रही। दरअसल जून उसे नाराज़ है कि उसने उसे वहाँ अकेला क्यों छोड़ दिया और तभी घोष्ट काई को चाकू मारने वाली होती है कि तभी काई जाग जाता है और सिद्धिक मिट कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, तब से देख रहा हूँ लगता है ज़्यादा ही सस्ते नशे कर लिया है तुमने। काई उसकी बातों से नाराज़ हो जाता है और कहता है, तुम्हें अभी तो नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या देख पा रहा हूँ, लेकिन जब तुम ये देख पाओगे तब समझोगे। फिर अगले सीन में मिट काई को टीम लीडर जेक के पास लेकर जाता है और कहता है, इस लूजर को टीम से बाहर निकालो, ये हमेशा डरता ही रहता है। पर तभी काई एक बहुत ही वैलिड पॉइंट बोलता है कि अगर हम लोगों ने चोरी कर भी ली तो क्या गारंटी है कि हम लोग ट्रेन से इजीली बाहर निकल जाएंगे। अगर उन लोगों ने हमसे लड़ाई की या फिर हमें घेर लिया तो
और ये बात सोचने वाली थी, तो इसलिए जेक एक दूसरा प्लान बनाता है। फिर वो लोग जून के पास जाते हैं और वहाँ पे ऐश को देख जेक गुस्सा हो जाता है, पर ऐश उसे यकीन दिलाता है कि वो उसके काम में इंटरफियर नहीं करेगा। एंड जेक उसकी बात मान जाता है, लेकिन धमकी भी देता है कि अगर उसने कोई भी गलती की तो वो जान से गया। फिर जेक जून की हेल्प मांगता है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। सारे प्लान बनाने के लिए वापस अपनी जगह पे आते हैं, लेकिन काय वॉशरूम गया था। वॉशरूम में उसे दोबारा किसी रू का सामना करना पड़ता है और वो वहाँ से डर कर अपनी टीम के पास आता है एंड उन्हें बताता है कि उसे एक रू हॉन्ट कर रही है एंड मिरर के अंदर कोई तो है, पर उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता। और जेक कहता है नशे करना छोड़ दो काय। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और सारे एकदम शांत हो जाते हैं ताकि किसी बाहर वाले को उनके होने का पता ना चल जाए। इधर ऐश एजा पे बैठा था, उसके सामने एक री नाम की लड़की आकर बैठ जाती है। ऐश उसे देखकर कहता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है पर पता नहीं कहाँ। फिर ऐश और उसमें थोड़ी बातें होती है एंड वो ऐश को जेन्युइन लगती है, तो वो उसे जेक के चोरी के प्लान के बारे में बताने जा रहा था कि तभी जून ये देख लेती है और इन दोनों को अपने साथ पकड़ कर ले जाती है जेक के पास। वहाँ जेक काय को उन दोनों पर नजर रखने की जिम्मेदारी देता है और अब जेक खुद चोरी करने जाएगा। दूसरी तरफ काय और ऐश में बातें होती है और हमें पता चलता है कि काय ने ड्रग्स के लिए एक बूढ़ी औरत को बहुत ही बुरे तरीके से मार दिया था एंड वो सोच पाते हैं ये वही औरत है जिसकी रूह काय को हर पल परेशान करती है। तभी हम देखते हैं ट्रेन के ट्रैक पे एक लेडी अपनी बेटी के साथ खड़ी थी और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए सारे लोग ट्रेन से उतरकर चेक करते हैं लेकिन वहाँ पे उन्हें कोई लाश नहीं मिलती, इवन उन्हें एक्सीडेंट के निशान भी नहीं मिलते हैं। तो वो लोग ड्राइवर से कहते हैं तुमने क्या किया, ट्रेन क्यों रुकी। बट ड्राइवर उन पर ही चिल्लाता है मैं बहुत देर से चला रहा था इसलिए मैंने रोक दिया। काय पूछता है वो लेडी और उसकी बच्ची जो सामने थी वो कहाँ गई, पर ड्राइवर कहता है कौन सी लेडी, मैं किसी को नहीं जानता। फिर बाकी सब वापस ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन काय ट्रेन के नीचे उस लेडी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था एंड तभी उसे वो दोनों दिख जाते हैं एंड वो दूसरी तरफ से ट्रेन पे चढ़ रहे थे। बट जब काय ऊपर जाकर देखता है तो वो दोनों वहाँ पे नहीं होते और ये देख वो बेहद घबरा जाता है कि आखिर वो दोनों कहाँ गायब हो गए। उसकी हालत पे हम एज एन ऑडियंस तरस खाने लगते हैं कि एक तो रू उसे परेशान कर रही है और दूसरी तरफ उसके दोस्त भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर रहे थे। फिर वो लोग अंदर जाकर देखते हैं कि सारे लोग जो ट्रेन पे मौजूद थे अचानक कहीं गायब हो गए और तो और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी बट वो लोग बिल्कुल भी नहीं भीगे और ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था। एंड इस बात से लेक्स डर जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है एंड बाकी सब भी सोच में पड़ जाते हैं कि तभी काय हंसने लगता है और कहता है अब तुम लोगों को समझ आ रहा होगा कि रू के हॉन्ट करने पे कैसा लगता है। पर तभी जेक उस पर चिल्लाता है तुम्हारा काम था ऐश और री पर नज़र रखना और तुम कोई भी काम नहीं कर रहे, इवन तुम फालतू का ज्ञान दे रहे हो, जाके काम करो। अगले सीन में बाकी सब ट्रेन पे दूसरे पैसेंजर्स को ढूंढने लगते हैं बट उन्हें कहीं भी कोई नहीं मिलता, मानो जैसे एक पल में पूरे ट्रेन के लोग गायब हो गए हों। फिर एक सीन में काय मेट से कहता है तुम्हें नहीं लगता अभी अभी हजारों लोग यहाँ थे और अचानक सारे गायब हो गए एंड ये काम सिर्फ रूह ही कर सकते हैं। पर मेट उसे फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो कहता है डरपोक इंसान भूत नहीं होते समझ लो। दूसरी तरफ हम ऐश और री को ट्रेन के दूसरे कमरे में देखते हैं एंड वहाँ हमें पता चलता है कि री एक मॉडल है और ऐश ने उसका पोस्टर देखा था एंड इसी वजह से वो उसे पहले से जानता था। फिर ऐश री को बताने जाता है कि जेक और उसकी गैंग चोरी करने वाले हैं ट्रेन में, लेकिन मैं तुम्हें उनसे बचाऊंगा और हम दोनों अगले स्टेशन में इस ट्रेन से उतर जाएंगे और भाग निकलेंगे। बट तभी री ये बहुत बड़ा राज रिवील करती है कि इस ट्रेन से कोई भी भाग नहीं सकता। पर तभी अचानक दीवार से एक हाथ री को अंदर खींच लेता है और ये देखते ही ऐश के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया। फिर अगले सीन में हम री को एक अनजान आकृति से बात करते देखते हैं और वो आकृति कहती है तुम्हें पता है ना इस ट्रेन के रूल्स हम बनाते हैं और तुम किसी को भी कुछ भी नहीं बता सकती जब तक हम ना चाहें। पर री कहती है मैं सिर्फ ऐश को बताना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि उसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। ये सुन वो रू कहती है सिर्फ ऐश को ही नहीं बट हम लोग अब सबको बता देंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है उनके साथ और ये बात बताने का मौका तुम्हें ही मिलेगा। फिर अगले सीन में दिखाते हैं काय वॉशरूम में फेस वॉश कर ड्रग्स कर रहा था एंड दूसरी तरफ मेड बाकी कंपार्टमेंट्स में लोगों को ढूंढ रहा था कि तभी उसे जून मिलती है एंड जून मेड को देखते ही उसे मार देती है। एंड दोस्तों तभी हमारे सामने एक बड़ा राज खुलता है कि जून ऑलरेडी मर चुकी है एंड ये जून की रूह थी। हम देख पाते हैं कि उस बैंक रॉबरी के टाइम
जून को गोली लगी थी एंड वो वहीं मर जाती है। एंड ट्रेन में जिस जून को हम शुरुआत से देख रहे हैं वो उसकी घोस्ट है। एंड तभी जून गुस्से में कहती है, तुमने उस दिन मुझे ऐसे ही छोड़ दिया जिसके वजह से मेरी मौत हो गई, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। दूसरी तरफ हम लेक्स को देख पाते हैं जो मेट को ढूंढता हुआ उस तक पहुंच जाता है। एंड मेट को देख लेक्स की हालत खराब हो जाती है, पर तभी जून उसे कहती है, तुमने भी मुझे छोड़ दिया था एंड मैं अब तुम्हें नहीं बख्शूंगी। एंड ये सुन लेक्स वहां से तेजी से भागता है, पर फिर लेक्स एक चेंबर में फंस जाता है जहाँ पे बहुत से हाथ निकलने लगते हैं और लेक्स को हॉन्ट करते हैं। वो फिर वहां से बचकर निकलता है तो सामने एक मदर डॉटर की रूह उसे हॉन्ट करती है। एंड हम देख पाते हैं कि घोस्ट लेक्स को इसलिए डरा रही थी क्योंकि फिल्म के स्टार्ट में जब वो वैन में चोरी करने के बाद भाग रहे थे तो वैन लेक्स चला रहा होता है और उससे इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें इनकी मौत हो जाती है। एंड यही मदर डॉटर उससे अपना रिवेंज ले रहे थे। तभी हम वापस लेक्स को देख पाते हैं एंड ट्रेन के बाहर लावा थी जिसमें गिरकर उसकी मौत हो जाती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं काय के हाथ को मिरर के अंदर किसी ने पकड़ लिया है एंड वो अपने हाथ को बाहर निकाल नहीं पाता तो वो मिरर को ही गुस्से में तोड़ देता है और मिरर के टूटने के साथ उसका हाथ भी कट जाता है। दूसरी तरफ जेक को ऐश मिल जाता है और फिर उन दोनों में घमासान लड़ाई होती है, पर तभी ऐश को बचाने री आ जाती है एंड फिर जेक वहां से दूसरों को ढूंढने निकल जाता है। फिर दिखाते हैं री ऐश के सामने एक और राज खोलती है कि ट्रेन में सिर्फ वही चढ़ सकता है जिसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ चुकी हो, यानी कि ये ट्रेन सिर्फ डेड लोगों के लिए है जैसे मैं और बाकी जितने पैसेंजर्स को तुमने देखा। एंड दोस्तों यहाँ हम समझ पाते हैं री जिंदा नहीं है बल्कि ये री की एक रूह है। पर तभी ऐश कहता है, मैं तो जिंदा हूँ तो मैं इस ट्रेन में कैसे चढ़ गया। री कहती है, शायद तुम भी मर चुके हो एंड ये तुम्हारी रूह है। पर ऐश इस बात को मानने से साफ इनकार करता है कि वो मर चुका है। वो कहता है, मेरी मॉम घर पे मेरा वेट करी होंगी, मैं ऐसे मर नहीं सकता। एंड दोस्तों यहाँ हम एज एन ऑडियंस सोचते हैं कि आखिर ऐश की मौत कब हुई एंड उसे मरते हुए हमने क्यों नहीं देखा। फिर ही उसे बताती है कि ट्रेन में बाकी लोगों को वही देख सकता है जो मर चुका है, यानी कि एक रूह ही दूसरे रूह को देख सकती है। एंड ये सुनकर ऐश खुश हो जाता है क्योंकि उसे आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। वो कहता है, इसका मतलब मैं जिंदा हूँ। बट ये बात कहते ही उसे बाकी सारे लोगों के सोल्स दिखने लगते हैं और एक बंदा सबसे टिकट मांग रहा था और सबके पान को स्कैन कर रहा होता है एंड वो इसी डेड ट्रेन का कंडक्टर था। फिर वो कंडक्टर आकर ऐश को बताता है कि तुम्हारे हाथों की लकीरें बता सकती है कि तुम जिंदा हो या नहीं एंड तुम्हारी लकीरें बिल्कुल सही है, मतलब कि तुम जिंदा हो। ये देख री उसे पूछती है, आखिर कोई जिंदा इंसान इस ट्रेन में कैसे आ सकता है। तो वो कंडक्टर बताता है कि बाहर की दुनिया में कोई तो है जो ऐश को मरने नहीं दे रहा एंड इस सुप्रीम पावर मेरे समझ के परे है। एंड दोस्तों यहाँ में एज एन ऑडियंस समझ पाते हैं कि शायद ऐश को उसकी मदर का प्यार बचा रखा हुआ था क्योंकि ऐश की जिंदगी में सिर्फ उसकी मदर ही थी जो उसे प्यार करती थी एंड उनकी अलौकिक शक्तियों के कारण ऐश इस ट्रेन में इकलौता जिंदा ह्यूमन है। फिर तभी वहाँ पे जेक आकर री को अपने साथ ले जाता है एंड ऐश उसके पीछे जाता है और जेक को उसमें फाइट होती है जिसे ऐश जीत कर री को बचा लेता है। फिर तभी कंडक्टर वहाँ पे वापस आकर कहता है, ये एक डेड ट्रेन है जो हेल की ओर जा रही है एंड हेल का गेट बहुत ही नज़दीक है तो तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का इंतजाम करना होगा वरना तुम एक भटकती हुई रूह बनकर यहीं रह जाओगे और कभी दोबारा जन्म नहीं ले पाओगे। इसलिए ऐश सोचता है कि वो क्या करे। तभी री कहती है, इस हेडफोन्स को अपने कानों में लगाओ और सुनो क्या आवाज़ सुनाई दे रही है हेडफोन्स पे। एंड ऐश ऐसा ही करता है और कुछ देर में ट्रेन के अंदर एक गेटवे बन जाता है रियल वर्ल्ड में वापस जाने का। कंडक्टर कहता है कि जाओ रियल वर्ल्ड में, जाकर अपने आप को एक आखिरी बार देख लो, फिर हम शायद दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और फिर ऐश रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं रियल वर्ल्ड में ऐश और वो चारों चोरों का गैंग मर चुके थे, यानी कि ट्रेन में उन पांचों की रूह ही थी। मतलब कि जब जेक के टीम के वैन का ऐश के फ्रेंड के शॉप पे एक्सीडेंट होता है वो सभी लोग वहीं मारे जाते हैं और मरते ही उनके सोल्स उनके शरीर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें ये बात समझ ही नहीं आती कि वो लोग मर चुके हैं। पर उन सब में इकलौता ऐश नहीं मरता, उसकी सांसें अभी तक चल रही थी, बट फिर भी उसकी सोल बाहर आ जाती है और अभी तक हमने जिसे भी देखा वो सब सोल्स ही थे एंड कोई भी जिंदा नहीं था। लेकिन ऐश के हाथों की लकीरें ठीक थी और उसके सांसें चल रही थी, इसलिए वो अपने शरीर पे वापस चला जा पाता है और उसे फिर अपनी ज़िंदगी दोबारा से मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश ठीक हो चुका था एंड वो अब अपनी मदर से मिल सकता था एंड यहाँ ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बता दूं कि वो ट्रेन जो था वो सिर्फ डेड लोगों के सोर्स को हेल की ओर ले जाया करता था, यानी कि आत्माओं का ट्रेन
जुनर की ओर जा रहा था एंड उस ट्रेन में सिर्फ सोल्स ही आ जा सकते थे। तो फिल्म एक्सीडेंट के बाद सभी लोग मर जाते हैं, सिर्फ ऐश की बॉडी सांस ले रही होती है एंड इसीलिए वो ट्रेन में जाने के बाद भी अपने शरीर में वापस आ पाता है। और इसमें सबसे बड़ी ताकत उसकी मदर का प्यार था जो उसे बचा लेता है मौत के मुँह से। ये फिल्म का कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड अगर आप भी इस फिल्म को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आप उसे इंस्टाग्राम पे आकर ले सकते हो। बाय द वे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।